जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम वर्णमाला को लेकर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने आज व्यंजन को डिस्कस करना है, जिसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्णमाला का हमने स्वर वाला पार्ट कवर कर लिया था, आज हम व्यंजन को कवर करेंगे। व्यंजनों की जो टोटल संख्या थी लास्ट लेक्चर में भी क्लास में भी बताई थी, 39 है, जिसमें से यदि मूल व्यंजन पूछे तो 33, और संयुक्त व्यंजन यानी कि दो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं जो, वो 4 हैं, और जो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन इन्हीं को ही ताड़न जात या विकसित व्यंजन भी कहते हैं। दोनों के दोनों नए नाम हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं कि ताड़न जात विकसित व्यंजन किसको बोला जाता है, जो उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं उन्हीं को बोला जाता है। इनकी संख्या 2 है, 33 और 4, 37 और 2, 39, टोटल तो 39 है। डिवाइडेशन आप इसका समझ सकते हैं कि मूल व्यंजन 33, मूल व्यंजन 33, संयुक्त 4 और उच्छिप्त द्विगुण कितने होते हैं, 2 होते हैं। इनमें से 4 संयुक्त कौन कौन से हैं, कश्य, जैसे आप अक्षय लिखते हो ना, अक्षय तो कश्य, तो इसका उच्चारण क्या होगा, कश्य। त्र बोलते हो जैसे त्रिशूल, त्रिशूल तो त्रि त्रिशूल, तो त्र होता है त्र। फिर उसके बाद जय, जैसे यज्ञ पढ़ते हो ना, यज्ञ, ऐसे तो यज्ञ पढ़ते हो लेकिन सही उच्चारण क्या है, यज्ञ, य ज ये यज्ञ, तो यज्ञ सही उच्चारण हो जाएगा। फिर आता है श्रमिक वाला स्र, श्रमिक है ना, श्री बोलते हैं श्री, तो स्र श्री, ई की मात्रा दोगे तो उच्चारण सही हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चारों के चारों संयुक्त वर्ण व्यंजन किससे मिलकर बने होते हैं, क और स, त्र र और ज, अय स और र, तो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त में ड्य और ढ, ये दोनों आते हैं, ड्य और ढ आते हैं। नेक्स्ट में देखना है कि जो 33 है, अब उन 33 का डिवाइडेशन कैसे होगा, मूल व्यंजन कितने हैं, 33, 33 में भी स्पर्शी वर्गीय व्यंजन किसको बोला जाएगा, जिनमें हमने वर्ग में डिवाइड करना है, उनकी संख्या है टोटल 25। जब आप अपने चार्ट में देखोगे वर्णमाला के, तो शुरू में क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा, और त वर्ग आएगा, और प वर्ग आएगा। प्रत्येक में 5-5 आएंगे, जिसमें आप क ख ग घ य ये पढ़ते हो तो 5 हो गए, 5 नीचे आएंगे, च छ ज ज य ट ठ ड ढ ण त थ द ध, फिर प फ ब भ म, तो आप इस हिसाब से कितने आएंगे, 25। तो उनको बोलेंगे स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। उसके अंतर्गत ही 33 में जो मूल व्यंजन है, अंतःस्थ व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4, संयुक्त भी 4 हैं और अंतःस्थ भी 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि य व र ल, य व र ल, य व को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इनको अर्धस्वर बोला जाता है, जबकि ल को पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन, जबकि लुंठित या प्रकंपित व्यंजन किसको बोला जाता है, रा को। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों एक साथ ही पढ़ने हैं आपको, देखो ला जिसमें आ रहा है वो पार्श्विक है, यानी कि उल्टा करना है, ला इसमें आ रहा है लुंठित, जबकि लुंठित कौन सा है, र, र प्रकंपित, जैसे जब इंसान कांपता है तो र करता है ना, र, तो र ध्यान रखना आपको प्रकंपित या लुंठित में, और पार्श्विक में ला है ना, लठ, लट पीछे से लगता है ना पार्श्विक, तो आप ध्यान रख सकते हो ला होता है पार्श्विक व्यंजन और र होता है लुंठित, और अर्धस्वर में कौन से आते हैं, य और व आते हैं, दोनों के दोनों। आगे और भी ट्रिक हैं जो मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहें। उसके बाद है उष्म व्यंजन कितने होंगे, उष्म व्यंजन की संख्या भी कितनी है, 4, इसिप्त या स्पृष्ट, स्पृष्ट या इसित व्यंजन या उष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, यानी कि इनको बोलते हुए ऊष्मा हमारे मुख से निकलती है, जैसे श श श और ह, तो आप ध्यान रखेंगे तीनों के तीनों श और फिर प्लस ह, तो इसमें कौन से आएंगे, सारे के सारे उष्म व्यंजन आएंगे। तो डिवाइडेशन आपको समझ में आया, मूल व्यंजन का डिवाइडेशन 33 का किस प्रकार से किया गया है, 25 स्पर्श, 4 अंतःस्थ और 4 ही उष्म, जबकि 4 संयुक्त हैं, 2 उच्छिप्त या द्विगुण हैं। टोटल काउंटिंग करोगे तो आपको इसकी काउंटिंग 39 कवर हो जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये आपको ट्रिक के द्वारा भी सेट करा देते हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है अक्सर एग्जाम में। वायु संवेग के आधार पर स्वर व व्यंजन को डिवाइडेशन कैसे करेंगे, एक तो होता है वायु संवेग, यानी कि वायु कितनी निकल रही है, उसका वेग क्या है, एक तो अल्प हो गया कम, एक हो गया महाप्राण,
जिससे ज्यादा वायु निकलती हो। तो अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण में अब आपको जैसे क ख ग घ, तो एक साउंड कम और एक साउंड ज्यादा। तो जब आप पहला वर्ण पकड़ोगे क का, तो उसको साउंड हल्का लोगे क, दूसरे को खींचोगे ख, तो दो, उसके बाद तीसरे को फिर हल्का क ख ग, फिर ख, तो तीन पे कम, एक तीन पाँच, दो चार महाप्राण। अल्प प्राण अ से अल्प, तो अ आता है पहले पे, एक फिर एक छोड़ के तीन फिर एक छोड़ के पाँच। तो एक और तीन पाँच के जो वर्ग वाले व्यंजक होंगे ऊपर से नीचे, मैं आपको लास्ट में भी दिखाऊंगा उनको कैसे कवर करना है। एक तीन पाँच वाले क्या होंगे? अल्प प्राण। जबकि दो और चार वाले क्या होंगे? महाप्राण। दो और चार का कैसे सीक्वेंस है वो आपको मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ अभी। इसमें जैसे ये यहाँ समझो इसको, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसमें जो पहली लाइन, फिर उसके बाद छोड़ के दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये तो हो गए अल्प प्राण। और जो दूसरा और चौथा होगा ये होगा महाप्राण। तो अल्प प्राण महाप्राण कवर। फिर अब आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब अल्प प्राण 1, 3, 5 और 2, 4 महाप्राण। जो अंतस्थ व्यंजन है जिनकी संख्या कितनी है? 4। अंतस्थ पढ़े ना, अंतस्थ यरलव या यरलव। तो आपने जो पढ़े हैं इसमें य और व, ये तो पढ़े आपने अर्धस्वर में, जबकि र पढ़ा है र प्रकंपित या लुंठित, और ल पढ़ा है पार्श्विक में। तो ये भी कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, इनके लिए भी साउंड हम कम निकालते हैं। तो 4 के 4 इसमें आ जाएंगे। उसके बाद महाप्राण में आपने 2 और 4 वाले पढ़े, और जो उष्म वाले होते हैं जिनमें स स ऊष्मा निकलती है महाप्राण, तो ये किस में आते हैं? महाप्राण में। तो अल्प प्राण अ से अल्प प्राण प्लस अ से अंतस्थ। तो अल्प प्राण अंतस्थ एक साइड रखने हैं आपको, 1, 3, 5 के साथ, और महाप्राण में उष्म रखने हैं 2 और 4 के साथ, यानी कि स स वाले। उसके बाद स्वर की बात करें अल्प प्राण महाप्राण में, तो जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे अल्प प्राण और घोष होते हैं, जबकि ये महाप्राण नहीं होते। तो स्वर सारे कैसे होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। घोष अघोष क्या होते हैं अभी आप डिस्कस करेंगे। तारत्व के आधार पर व्यंजन का क्या प्रकार है? तारत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, एक तो अघोष होता है, एक सघोष या घोष होता है। सघोष जिससे हमें घर्षण लेके वायु निकलती हो, तो आप उसमें किसको रखोगे? अघोष को, जिसमें नहीं निकलती हो अघोष, और जिसमें निकलेगी सघोष। इतना भी याद नहीं रखना है, डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि कौन सा वर्ग में व्यंजन कहाँ पर आएगा। तो मैंने अभी आपको याद कराया अल्प प्राण। अल्प प्राण में जो आपने टेबल पढ़ी थी उसमें 1, 3, 5 वाले अल्प प्राण, 2 और 4 वाले महाप्राण। अब सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज होगा, अघोष आ गया ना, तो पहले वाले दो अघोष, लास्ट वाले 3, 4, 5 सघोष, 3, 4, 5 सघोष। देखो जिसमें कम ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण, तो सीक्वेंस है 1, 3, 5 का, और बाकी स्टार्टिंग के दो, 1, 2 अघोष, इसमें भी ए आ रहा है अघोष स्टार्टिंग के, 1, 2 और सघोष 3, 4, 5, उसका सीक्वेंस कवर हो जाएगा। अब इनमें और कौन कौन से शामिल होंगे? उष्म वाले सारे के सारे क्या होते हैं? अघोष, स स स 3, लेकिन ह इसमें नहीं आता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट को ध्यान रखना है। सघोष में 3, 4, 5 वाले अंतस्थ व्यंजन इसमें आएंगे, प्लस ह भी आएगा। तो सभी स्वर कैसे होते हैं? घोष या सघोष, दोनों का अर्थ एक ही है, घोष या सघोष एक ही अर्थ होगा। प्लस में क्या आ जाएगा? अंतहस्त किस में आ जाएंगे? सघोष में, और ह आ जाएगा, सभी स्वर भी आ जाएंगे। अघोष में 1 और 2 स्टार्टिंग वाले 2, और उष्म व्यंजन में स स स और ह नहीं आएगा। बस ये रिलेट करना कि इसमें ह नहीं आएगा, अघोष में ह नहीं, ह अघोष में ह नहीं है, तो किसमें है फिर? सघोष में ह, सघोष में ह, ध्यान रखेंगे सघोष में ह। उष्म व्यंजन अघोष में, अंतस्थ में, अंतस्थ में सघोष में। उसके बाद है वर्ण फिर क्या आएगा? ह के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है नोट करने हैं। स्पर्श रहित व्यंजन किसको बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है, ह को। काकल्य ध्वनि किसको बोला जाता है? ह को। स्वर यंत्रामुखी किसको बोला जाता है? ह को। उष्म संघर्षी वर्ण किसको बोला जाता है? ह को। घोष ध्वनि किसको बोला जाता है? ह को। तो स घोष, सघोष है, घोष है वर्ण, उष्म ध्वनि ह, स्वर यंत्रमुखी ह, काकल्य ध्वनि ह, स्पर्श रहित ध्वनि ह। नोट था, इंपॉर्टेंट है,
रिलेट करके चलेंगे ध्यान से। अब मैं अन्य जो आपको बताता हूँ उनको रिलेट करेंगे। जैसे कि आपसे पूछे संघर्षी वर्ण किसको बोलेंगे, जिनको बोलने में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता हो। स स स, ये तीनों के तीनों स संघर्षी, तो इसमें ह नहीं है, ठीक। उसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी जिसमें ज़्यादा स्पर्श करके संघर्ष करा जा रहा है, तो संघर्ष के साथ कितने होती है इनकी संख्या, चार। तो पूरा का पूरा जो इसमें च वर्ग वाला ध्यान रखना है, च छ ज, तो अण तो नहीं आएगा, अण तो नासिक्य में आता है, नासिक के जो पंचमा अक्षर होते हैं वो सारे किस में जाएंगे, नासिक्य में। पंचमा अक्षर मतलब पांचवा हिस्सा, पांचवा वर्ण जाएगा जो क वर्ग का, वो सारे नासिक्य के हैं, कुछ चीज़ें आपको पता भी है। दूसरा वर्तस्य, वर्तस्य व्यंजन किसको बोलेंगे जो संस्कृत भाषा में होते हैं, तो नसल, नसल इसी को दंते भी बोलते हैं, ये दंते भी होते हैं, नसल, नसल नसल ध्यान रखेंगे। वत्सर्य, वत्सर्य व्यंजन संस्कृत भाषा में होते हैं, रिलेट कर लेंगे, ध्यान रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है कभी पूछा जाए आपसे। उसके बाद वह वर्ण जिससे हिंदी शब्द प्रारंभ नहीं होता, तो हिंदी शब्दकोश में कौन सा ऐसे शब्द है जिनसे हिंदी शब्दकोश प्रारंभ ही नहीं होता, हिंदी का कोई वर्ण या शब्द नहीं प्रारंभ होता, जैसे ड्या अय्या अणा ढ और यह आगत वाले, इन सबसे कोई शब्द भी प्रारंभ नहीं होता, आप ध्यान रखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण की ट्रिक क्या है, अब इसको ध्यान से सुनते चलेंगे। एक ही जगह मैंने इन सबको कवर कर दिया है। कंठ से बोले जाने वाले, कंठ से बोले जाने वाले, तो इसके लिए एक ट्रिक है, कंठ से कुछ कह, तो इंसान कुछ बोलेगा तो मुंह से, तो उसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखनी है, बस कंठ से कुछ कह। जैसे आप आओगे कह पर, तो काया, एक तो पूरा का पूरा क वर्ग कंठ का होता है, दूसरा क ह, अ की साउंड आ रही है, आ भी किस्मत है कंठ में, हा भी किस्मत है कंठ में, कुछ कह ह, अह अंग, अह तो अंग, अंग तो नहीं आ रहा इसमें, अह अह किस्म आएगा कंठ में, तो आपको रिलेट हो जाएगा कुछ कह, कंठ वालों के लिए कुछ कह। एक बार लिख के देखोगे आराम से याद हो जाएगा, कुछ कह, का लिखोगे क वर्ग ह अ और अंग। उसके बाद तालव्य से कौन से बोले जाते हैं, तो ताल बिठाने के लिए कुछ चाय सी पिला दी जाए, चाय सी ताल के लिए, ताल बैठ जाता ना सर्दी में, चाय सी मिलती रहे थोड़ी थोड़ी देर बाद, चाय सी, तो इसी को अब जब ओपन करके लिखोगे तालव्य के सारे याद हो जाएंगे। च से च वर्ग, छोटी ई की मात्रा आ रही है ई, या रहा है बीच में य, सा रहा है सी, और बड़ी की मात्रा आ रही है बड़ी, तो ये सारे के सारे च वर्ग के, च वर्ग ई य स और ई, ये सब तालव्य से बोले जाते हैं। तीसरा जो याद करना है आपको, मूर्धा से कौन से बोले जाएंगे, देखो जब मैटर बड़ा हो जाए तो ऋषि क्या होते हैं, शांत स्वभाव से रहते हैं, मूर्छित रहते हैं, यानी कि मूर्छा में रहते हैं ना, जैसे ऐसे बैठे रहते हैं, मैटर चाहे कुछ भी हो जाए, ऋषि लोग टस से मस नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रखना मैटर में ऋषि शांत रहते हैं। मैटर, म से मैटर, अब इसको ध्यान देखो, म से मूर्छा, तो मूर्धन्य या मूर्धा से बोले जाने वाले शब्द कौन से हैं, मैटर, ट वर्ग, ट के साथ र, फिर ऋषि है तो री, री और फिर स, तो ये सारे के सारे शब्द मैटर में ऋषि मूर्छित, आप इसे ध्यान करेंगे, मैटर में ऋषि मूर्छित, तो मैटर है, मैटर ऋषि मूर्छित, तो आप एक साथ ध्यान हो जाएगा मूर्धा वाले कौन से हैं। उसके बाद है दंत, दंत से किनका उच्चारण होता है, आपने देखा होगा अक्सर जब घरों पे काम वाम चलता है ना जैसे, तो तसला जो होता है, तसला जब उसको कोई खिसका देता है यानी कि सरका देता है ना नीचे रख के जमीन पे, तो दांत कुछ लोगों के किरकिराते हैं, तो इसी को ध्यान में रख के ट्रिक बनाइए कि दांत कब किरकिराते हैं, जब कोई तसला खिसकाता है, तसला तो दंत, यानी कि जब जीभ दांतों पर लग के कोई वर्ण बोला जाता है वो दंत से बोले जाते हैं, जैसे त वर्ग, त स ल, तो तसला हो जाएगा त स ल, तो ये सारे के सारे वर्ण किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओष्ठ, ओष्ठ मतलब जिनको बोलते हुए होठों की आकृति बनती है, ओट स्पर्श करते हों, ओष्ठ। अब ओट पू पू कम कर, ओ पू पू कम कर, इसको कैसे याद रखोगे, ओ से तो ओष्ठ, पू से प वर्ग, पू तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये दोनों किस्म आते हैं ओष्ठ में आते हैं, आप बोल के भी देखो ना ऊ बड़ा ऊ, तो दोनों होठ स्पर्श करते हैं, तो प वर्ग ऊ बड़ा ऊ, ये हो जाएंगे आपके ओष्ठ वाले। फिर उसके बाद है दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, यहाँ से और ज़्यादा ध्यान रखना आपको, दंत प्लस ओष्ठ कौन सा वर्ण होता है, देखो जैसे आपने पढ़ा होगा दबाओ है ना, दंत प्लस ओष्ठ दबाओ, तो द से दंत, व से व, ओ से ओष्ठ,
तो दबाओ दबाओ, तो दबाव वाली ट्रिक से आपको क्या ध्यान आएगा कि दंत और ओष्ठ से कौन सा वर्ण बोला जाता है या कौन सी ध्वनि निकलती है, वह। नेक्स्ट, कंठ और ओष्ठ से कौन सी ध्वनि निकलेगी, कंठ प्लस ओष्ठ से। तो देखो कौवा कैसे करता है, काँव काँव करता है, कौवा काँव काँव करता है, तो को से तो कंठ, ओ से ओष्ठ, कौवा काँव काँव करता है तो ओ और आउ, ओ आउ दोनों के दोनों किससे बोले जाते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ से बोले जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कंठ और ओष्ठ, काँव काँव। उसके बाद कंठ प्लस तालु से कौन से बोले जाएंगे, तो कंठ प्लस तालु के लिए आपको ध्यान रखना कतले आम, कंठ प्लस ताल, कतले आम कंठ प्लस ताल, ए की मात्रा है तो ए आई, ए आई, ये दोनों ध्यान रखें, ए और आई किससे बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु, तो कतले आम करना है आपको यहाँ से। दंत प्लस मूर्धा, दंत प्लस मूर्धा से आपको एक शब्द ध्यान रखना है, दमित्री, दमित्री, तो दंत मूर्धा से त्रि कौन सा बोला जाता है, त्रि वर्ण बोला जाता है मूर्धा प्लस दंत से, त्रि दमित्री, तो दमित्री दंत मूर्धा त्रि बोला जाता है। नेक्स्ट, मूर्धा प्लस तालु से कौन सा बोला जाएगा, तो आप जैसे शब्द लिखते हो ना श्रीमती, तो श्रीमती सर किससे बोला जाता है, मूर्धा प्लस तालु से, मूर्धा प्लस तालु से कौन सा शब्द बोला जाता है, श्री, श्री श्रमिक वाला सर बोला जाता है मूर्धा प्लस तालु से। लास्ट नेक्स्ट है कंठ प्लस मूर्धा, कंठ प्लस मूर्धा से कौन सा बोला जाता है, कश्य, कश्य कैसे बोला जाता है, कक्षा में मूर्धा, कक्षा में मूर्छा है, कक्षा में मूर्धा, क से कंठ, स से स्र और मूर्धा से मूर्धा, ना मूर्छा से मूर्धा, तो क्षय किससे बोला जाता है, आपका कंठ प्लस मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण है। अब नोट में जो चीज़ें ध्यान रखनी है, ड और ढ किस में आएंगे, सघोष अघोष किस में आएंगे, अल्पप्राण महाप्राण तो मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप सघोष अघोष भी समझ चुके हैं, जो पहले दो होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके अघोष, और जो लास्ट वाले हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सघोष। तो ठीक, अब इसमें से ड और ढ में देखना है आपको कौन सा अघोष में आएगा और कौन सा सघोष में आएगा। अल्पप्राण तो वो होंगे जो एक तीन पाँच होंगे, तो अब अल्पप्राण में ड को देखोगे आप तो लास्ट वाले में आ रहा है, तो ये हो गया अल्पप्राण। महाप्राण देखोगे आप दूसरे और, दूसरे और चौथे वाले, तो चौथे में आ रहा है, तो ये हो गया आपका महाप्राण। सघोष अघोष के लिए कंडीशन क्या थी, क्या पहले जो दो देखोगे वो अघोष होगा और जो लास्ट के होंगे तीन वो सघोष होंगे, तो ये दोनों के दोनों वर्ण लास्ट के तीन वाले पार्ट में पड़ते ना, तीसरा चौथा पांचवें में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सघोष। ये तो सीक्वेंस से पता लग जाएगा, और यदि ट्रिक वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।